फ्रेंड्स, आपके कैलकुलेटर की बैटरी खराब है या इसके सर्किट में प्रॉब्लम है? चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं और फटाफट कैलकुलेटर रिपेयर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका कैलकुलेटर ऑन ही नहीं हो रहा है तो फ्रेंड्स फटाफट हमें इसको ओपन करना पड़ेगा और इसकी जो बैक साइड में जो डस्ट है उसको पूरी तरह से हमें क्लीन करना होगा, क्योंकि इसके पीछे कभी कभी डस्ट की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो फ्रेंड्स डस्ट को क्लीन करने के बाद फिर हमें यहाँ पे जाना है और इसकी ये जो बैटरी है इसको यहाँ से रिमूव करना है और इसके जो कनेक्टर है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। फ्रेंड्स, क्लीन करने के लिए आप यहाँ पे सैनिटाइजर, एल्कोहल या कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स दोबारा इसमें बैटरी इंसर्ट कर देते हैं और उसको चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके कैलकुलेटर में कोई भी डिजिट आप जब प्रेस करते हैं तो बहुत स्लो यहाँ डिस्प्ले होता है या फिर बहुत ही हल्का यहाँ पे डिस्प्ले होता है, तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम हमारी बैटरी चेंज करके रिमूव हो जाती है। अब फ्रेंड्स, आपका अगर कैलकुलेटर ऑन नहीं हुआ है या फिर फ्रेंड्स आपके कैलकुलेटर में कोई भी डिजिट की प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी डिजिट आप प्रेस करते हैं तो प्रिंट नहीं होता है, तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको इसका न्यूमेरिक पैड है और इसका जो पीछे का सर्किट है इनको अलग करना पड़ेगा और यहाँ पे जो इसका रबर पैड है इसको अच्छी तरह से क्लीन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स क्लीन करने के लिए यहाँ पे आप बिल्कुल यहाँ पे सैनिटाइजर, एल्कोहल या पेट्रोल कुछ भी यहाँ पे आईपी कर सकते हैं और प्रॉपर अच्छी तरह क्लीन करने के बाद फ्रेंड्स आप इसको दोबारा से यहाँ प्लेस कर देंगे तो यहाँ पे आपकी जो कोई भी डिजिट जो प्रिंट नहीं हो रहा होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा और यहाँ पे आपकी कैलकुलेटर जो कि ऑन नहीं हो रहा है तो वो भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स इसके अलावा इसमें एक और प्रॉब्लम आती है, वो है फ्रेंड्स इसमें हाफ डिजिट की प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स इसमें हाफ डिजिट की प्रॉब्लम आपकी जो यहाँ पे देख रही है जो बस है इसके जो कनेक्शन है यहाँ से लूज होने की वजह से होती है। तो फ्रेंड्स इसको दूर करने के लिए आपको यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन लेना है या फिर कोई ऐसी गर्म चीज़ आपको लेनी है जिसकी आप यहाँ पे हीट दे सकें। और फ्रेंड्स आपको एक पेपर लेना है, उसको डबल फोल्ड कर लेना है और इसको यहाँ पे इसकी बस के ऊपर रख देना है जहाँ पे इसके कनेक्टर लगे हुए हैं और उसके ऊपर से आपको सोल्डरिंग आयरन यहाँ पे लगाना है और लगाने के बाद आपको यहाँ पे हाथ से प्रेस कर देना है। फ्रेंड्स इसी तरह से आपको जो डिस्प्ले है उसमें भी इसी टाइप से करना है। फ्रेंड्स ये जो बार, ये जो यहाँ पे इसकी डिस्प्ले की जो बस है इसको पूरी तरह से कवर होना चाहिए, अदरवाइज ये प्लास्टिक की जो इससे पिघल जाएगी और इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ऐसा करके आपके यहाँ पे हाफ डिजिट प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये चार प्रॉब्लम्स इसकी जो है भी हमने यहाँ पे सॉल्व करी हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम इसमें जो है वो बैटरी और सर्किट की प्रॉब्लम है। अगर फ्रेंड्स इसके बाद भी आपका कैलकुलेटर सही नहीं होता तो फ्रेंड्स इस कैलकुलेटर के सर्किट और इसकी जो आईसी है वो इसकी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको कैलकुलेटर चेंज ही करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो जैसी भी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब जो भी करना प्लीज़ कर दीजिए। ऐसी वीडियोस चैनल पर आती ही रहेंगी। थैंक यू।